हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो आज जुमा भी है, आप सबको जुमा मुबारक हो बहुत बहुत। और कल से अम्मी बाबू जी भी आ गए हैं तो माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। तो अम्मी तो सुबह से नहा ली और कुरान शरीफ और ये पढ़ लिया है, मैं तो थोड़ा लेट उठी तो मैं यहाँ खाने की तैयारी करने लग गई हूँ जल्दी से। और आज मौसम ऐसा हो रहा है बिल्कुल बारिश जैसा। हाँ तोशिबा भी आया है तो बोल रहा है एक नंबर लग रहा है बाहर। तो गाइस पोछा वगैरह लगाना है लेकिन खाने की तैयारी भी करती जाती हूँ। और सामान देखो सब इकट्ठा पड़ा हुआ, ये देखो पूरा सामान अभी यहाँ पे। तो ये मैं ना किचन की साफ सफाई करूँगी उसके बाद। ये देखो एक बोरा माशाल्लाह यहाँ पड़ा हुआ है। तो मैं ये कब भरूंगी सामान? जब पूरा किचन साफ कर लूँगी। तो आज था मेरा किचन साफ करने का लेकिन आज मौसम ऐसा हो रहा है और दूसरी बात जुम्मा है आज, तो जुम्मे के दिन वैसे ही टाइम नहीं मिलता है। तो नाश्ता वगैरह हो गया है और अम्मी यहाँ गिल के छिल रही है उलन की। उलन के और बाबूजी के पैर बहुत दुखते है। और देखो जुम्मा है आज, अम्मी तो पहले से माशाल्लाह नहा धो के बैठी हुई है। और बाबू जी की हंसी उड़ा रहा है, दादी पोते ये धोई। बाबू जी बोलते क्या जी पैर दाप दो, तो ये धोई के धोई हंस रहा है। तो सब्जी तो बन चुकी है, मिर्ची की देखी है। और आज जो मैंने मिर्ची पिसवाई है ना वो वाली मिर्ची डाली है, तो माशाल्लाह सब्जी का कलर एक नंबर आया। देखो दिखाती हूँ, कलर ही चेंज हो जाता है सब्जी का। और तो यहाँ मम्मी का टिफिन भी पैक कर दिया है मैंने। तो मम्मी बाबूजी तो उसी उधर खाना खा रहे हैं और मैं भी बस एक दो रोटी और बची है, इसको बना के नहाऊंगी बस। मिर्च, अम्मी मिर्ची तेज हो गई क्या? सही रही नहीं, अच्छी बनी नहीं? इतनी आधा चम्मच डाली है मैंने सिर्फ। अम्मी इसका अंदाज रहता है ये तेज़ा मिर्ची का। बस दो बज चुका है और नमाज का टाइम भी हो गया है, तो मैं नहाकर आई हूँ बस। अभी जस्ट फ्री हुई हूँ, पोछा लगाया। ये रात में ना कूलर चालू कर देता ना तो पूरा चिपचिप हो जाते हैं रूम, तो ये वाला रूम का भी मैंने अभी पोछा लगाया। और बाबू जी आ गए हैं नमाज पढ़ के। मैंने नमाज़ पढ़ ली है माशाल्लाह, और अभी कुरान शरीफ पढ़ना है लेकिन बच्चे भी नमाज़ पढ़ के आ गए हैं तो इनको खाना दे देती हूँ, तो ये खाना भी खा लेंगे जब तक मैं कुरान शरीफ पढ़ती रहूँगी। मेरा गाइस मैंने नमाज़ पढ़ी और यासीन शरीफ पढ़ी है और अम्मी यहाँ कर रही है पाकिस्तान पंसूरे में पढ़ रही है अम्मी। तो बस अब मैं दवाई खाऊंगी और लेटूंगी थोड़ी देर। तो अम्मी ने नमाज पढ़ ली है और अम्मी इस दुआ मांग रही है। तो गाइस क्या टाइम हो गया? तो शिप हमारी ये वाली घड़ी तो बंद हो गई है, होल वाली, और 3:15 बज चुका है। अम्मी ने भी पढ़ लिया, अम्मी जाएगी अब पाजी के इधर जाएगी क्योंकि दुलाभी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो वहाँ पे जाना है इनको। तो गाइस मुझे भी अभी दवाई खाना है, बस लेट हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैंने दुआ भी मांग ली है माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। और अम्मी इधर दुआ मांग रही थी और इधर बाबू जी अपना तो ये देखिए वीडियो नहीं बनाने दे रहा है मुझे। और यहाँ अम्मी तैयार हो रही है,
परफ्यूम वर्फ्यूम छीटा जा रही है और क्या लिपस्टिक लगा देते उसे हम भी लिपस्टिक जैसे ही लगा और बस ये जिम क्या जाने लगा पर इतना एक्शन मारता है। हाँ अम्मी बहुत एक्शन मारता है हमारे जिम ही एक्शन मारने किसी हाइट लेके थोड़ी घूमोगे। देखो यहाँ खत्म हो जाए। वाह 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 देखो अम्मी एक हाथ से ट्यूब लगा रही है। देखो इधर क्या कह रही है दो ही हाथ में लूंगी ना तो खत्म हो जाए। दो ही हाथ फेरो कहीं नहीं दो ही हाथ फेरो सफेद सफेद नहीं दिखेगा। हम तो चलो भैया हम तैयार हो गए। उधर तो शिप के उनके दोस्त भी आ गए। बाबू जी पहले से खड़े हो गए जाने के लिए। हमने पर्स वर्स टांग लिया बाद में हाँ हाँ निकालो पहले पर्स। अब पर्स टांगो अब लग रही नहीं मैडम बाबू जी चिल्ला रहे हैं तो जल्दी गुड नाइट। तो गाइस वीडियो का एंड भी कर देते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ बाय बाय गुड नाइट।